फूट में इन दिनों चोरों का आतंक लगातार जारी है और एक ही मालिक की दो दुकानों में चोरी हुई है। दो दिन से लगातार हो रही चोरियों में रहवासियों में काफी आक्रोश है और नाराज लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और फूप थाना प्रभारी संजय सोनी एसटीओपी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया। तो फूप में चोरों का आतंक लगातार जारी है। चोरी की घटनाएं हैं जो रोकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ही मालिक जो दो दुकानों का मालिक है, दोनों ही दुकानों में उसकी चोरी हो जाने का मामला सामने आया। गुस्साए आसपास के लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। जाम की स्थिति भी काफी देर तक निर्मित हो गई थी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने का प्रयास किया और पुलिस के समझाने के बाद ही कहीं मामला शांत हो पाया। लोग समझे और अपने घर को लौटे, लेकिन काफी घंटों तक जो जाम की स्थिति निर्मित हुई उससे काफी समस्या आवागमन करने वाले लोगों को उठानी पड़ी। तो थाना प्रभारी और एसटीओपी मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने मोर्चा संभाला और स्थिति को काबू में किया, लोगों को समझाइश दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा संवाददाता अरविंद शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। अरविंद, काफी देर तक जाम की स्थिति देखने को मिली थी, पुलिस प्रशासन ने कैसे स्थिति को काबू में किया? जी मुझे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लगातार दो दिन से चोरियां की ग्राफ जो बढ़ रहा था, जिसके वजह से स्थानीय लोगों में काफी आज आक्रोश दिखाई दे रहा है। लोगों ने जाम भी लगा दिया, दोनों तरफ से नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। लोगों की मांग है कि लगातार चोरियों का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, इन पे शिकंजा क्यों नहीं लगाया जा रहा है। पर कहीं ना कहीं पुलिस के लोग सवाल किए जा रहे हैं पुलिस पर कि आप पुलिस का क्यों नहीं शिकंजा कस पा रहे हैं, जिससे महिलाओं ने भी रोड पर बैठकर हाईवे पर जाम लगा दिया है। एक ही मांग है कि जब तक चोरों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम इस यहाँ से नहीं हटेंगे। और लगातार एक ही घर में, एक ही मालिक की दो दुकानों पर चोरी हुई थी, कल भी हुई है, आज फिर हुई है, दूसरे दिन लगातार निशाना बनाया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।